बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डियर एस्पिरेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा था कंट्रोल ऑफ नारकोटिक्स सब्सटेंस एक्ट 1997, और आप इसके कंप्लीट लेक्चर्स एक्सेस कर सकते हैं हमारी वेबसाइट के थ्रू www.howardacademy.com। आज हम लेक्चर नंबर 8 कवर करेंगे सेम एक्ट का, और आज हम अपनी टर्मिनोलॉजीज़ डेफिनेशंस का पार्ट ख़त्म कर देंगे। आज के टॉपिक में हमारी पहली डेफिनेशन जो हमने पढ़नी है, समझनी है, वो है रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब रिश्तेदार या ताल्लुक वास्ता रखने वाला। तो इससे मुराद क्या है इस एक्ट के मुताबिक, कि अगर जो एक्यूज्ड है उसके जो रिलेटिव किस हिसाब से हम कंसिडर करेंगे, जो इन्वॉल्व होंगे या उसके नाम पर उसकी प्रॉपर्टी होगी। यानी कि एक एक्यूज्ड जो है वो बिज़नेस में सारी चीज़ें अपने नाम पे नहीं रखता, कहीं वो कानून की नज़र में ना आ जाए। तो इससे बचने के लिए वो अपने इर्द गिर्द के लोगों से सहारा लेता है, उनका नाम यूज करता है। तो इस ज़मरे में आपने इसको समझना है। इन रिलेशन टू एन एक्यूज्ड, अगर मुलजिम को हम कंसिडर करें या उसको जहन में रखें, तो इससे मतलब ये है कि मीन्स द स्पाउस और एनी लीनियर डिसेंडेंट ऑफ द एक्यूज्ड, यानी कि उसकी बीवी हो सकती है या फिर उसके जो रिश्तेदार में उसके डिसेंडेंट यानी कि उसके जो बच्चे हैं वो हो सकते हैं, और इसके अलावा एंड इंक्लूड्स एनी अदर पर्सन या फिर कोई दूसरा शख्स भी होल्डिंग प्रॉपर्टी फॉर और ऑन हिज बिहाफ, जो उसके लिए या उसके बिहाफ पे प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा हो, तो वो भी रिलेटिव में ही कंसिडर होगा। नेक्स्ट डेफिनेशन है स्पेशल कोर्ट, कि एक ख़ास अदालत से मुराद क्या है। इस तरह के केसेस को डील करने के लिए स्पेशल कोर्ट की कब ज़रूरत पड़ती है, तो निपटाने के लिए स्पेशल कोर्ट इस्टेब्लिश की जाती है। इससे मुराद क्या है, द स्पेशल कोर्ट इस्टेब्लिश्ड अंडर सेक्शन 46 ऑफ एनी अदर कोर्ट, कि यानी कि एक ऐसी कोर्ट जो कि इस्टेब्लिश की गई हो सेक्शन 46 के ज़रिए, जो किसी और कोर्ट को एम्पावर करे टू एक्सरसाइज द पावर ऑफ द स्पेशल कोर्ट अंडर दिस एक्ट, कि वो जो एम्पावर की गई है कोर्ट, कि वो स्पेशल कोर्ट की पावर जो दी गई होती हैं उनको वो यूज़ कर सकता है और उस केस को निपटाया जा सकता है, देखा जा सकता है। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी है ट्रेसिंग। ट्रेसिंग का मुराद ये है कि पीछा करना, और नारकोटिक्स के हिसाब से अगर डील जो चल रही हो किसी जो स्मगलर्स हैं या उनके जो माल प्रैक्टिस करने वाले, तो सोर्स से ले कर वो किस तरह सा जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं और वो चीज़ें मूव कैसे हो रही हैं, ट्रांसपोर्ट कैसे हो रही हैं, प्रोसेस कैसे हो रही हैं, उनकी प्रोडक्शन कैसे हो रही है, और मैन्युफैक्चर होने के बाद उससे प्रोडक्ट क्या बन रही है, कहाँ पे सेल की जा रही है, तो इस पूरे चेन को ट्रेस करने का तरीक़ाकार जो फेडरल गवर्नमेंट का कोई इदारा जो एम्पावर्ड है वो यूज़ कर सकता है। तो इससे मुराद क्या है, मीन्स द फाइंडिंग आउट द ट्रू नेचर, सोर्स, डिस्पोजिशन, मूवमेंट और ऑनरशिप ऑफ एसेट्स एंड इंक्लूडिंग डिटरमाइनिंग द मूवमेंट और कन्वर्जन ऑफ एसेट्स बाई एनी मीन्स एंड ट्रेस शैल बी कंस्टिट्यूट अकॉर्डिंगली। तो यहाँ से उस चीज़ को ट्रेस करने के लिए, या जो सेलर है उसके पास जो एसेट्स हैं, वो जो चीज़ बेच के उससे पैसे से कोई चीज़ ख़रीदता है और वो उस खरीदी हुई चीज़ को मज़ीद बेच के मज़ीद कुछ ले लेता है और ट्रांजेक्शन को मैनिपुलेट करता रहता है ताकि असल ट्रांजैक्शन का पता ना चल सके। जिस तरीके से ये रीसेंट केस हुआ पनामा वाला, उसमें भी ट्रांजैक्शन को लोकेट करने के लिए मल्टीपल जो है वो ट्रांजैक्शंस की गई ताकि असल ट्रांजैक्शन तक पहुंचना मुश्किल हो जाए। तो इस तरह का जो मेथड होता है वो अमूमन क्या होता है कि जो मनी लॉन्डरर्स या फिर इस तरह के जो लोग गलत तरीके से पैसा बनाते हैं, जिनके उनके पास लीगल प्रूफ नहीं होते या वो लीगली अथोराइज नहीं होते उस तरह के सोर्स से पैसा लेने के लिए, तो इस तरह की एक्टिविटीज़ की जाती हैं, तो फिर फेडरल गवर्नमेंट उसको ट्रेस करती है मुख्तलिफ मीन्स को यूज़ करते हुए। तीसरे नंबर पे है कैलकुलेशन ऑफ, यानी कि ये सेक्शन 3 अब यहाँ से डील हो जाता है, डेफिनेशन ख़त्म हो गई है। तो कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज इन लिक्विड प्रिपरेशन, कि कोई जो मेडिसन बनती है या कोई प्रोडक्ट बनती है तो उसमें नारकोटिक्स की कितनी परसेंटेज होगी, ये कैलकुलेशन का तरीक़ाकार वज़ा करना भी फेडरल गवर्नमेंट के मैंडेट में है। और जब ये तरीक़ाकार अभी अगर कोई इससे लेटेस्ट फॉर्म आ जाए तो वो यूज़ की जाएगी और फेडरल गवर्नमेंट उसको लागू करेगी। उससे पहले जो तरीक़ाकार पहले
अमल में है वही लागू रहेगा। द फेडरल गवर्नमेंट मे मेक रूल्स प्रिस्क्राइबिंग द मेथड बाई विच परसेंटेज इन द केस ऑफ लिक्विड प्रिपरेशन शैल बी कैलकुलेटेड फॉर द पर्पज ऑफ क्लाजेज जी एच टी यू ऑफ सेक्शन 2 जो हमने पढ़ा उसकी आप डेफिनेशन दोबारा देख सकते हैं। जी एच टू टी यू उनमें जो जो परसेंटेज दी गई है 0.2% या 0.1% की जो हद है वो कैलकुलेशन का तरीकाकार भी फेडरल गवर्नमेंट वज़ा करेगी और टाइम टू टाइम उसमें चेंज कर सकती है। अगर अभी तक मज़ीद कोई वज़ा नहीं किया जाता तो पहले वाला लागू होगा, उसमें ये बताया गया है। प्रोवाइडेड दैट अनलेस एंड अनटिल सच रूल्स आर मेड सच परसेंटेज शैल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस दैट अ प्रिपरेशन कंटेनिंग 1% ऑफ ए सब्सटेंस मीन ए प्रिपरेशन इन विच 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस इफ सॉलिड, अगर सॉलिड की बात है तो 1 ग्राम 1000 ग्राम्स में और 1 मिलीलीटर ऑफ द सब्सटेंस इफ लिक्विड, अगर लिक्विड है तो उसमें 1 मिलीलीटर और सॉलिड है तो उसमें 1 ग्राम इज कंटेन इन एवरी 100 मिलीलीटर, सॉरी मैंने 1000 बोला तो 100 में, क्योंकि परसेंटेज में 1% 100 का ही बनेगा। अगर 100 ग्राम है तो उसमें 1 ग्राम होना चाहिए अगर सॉलिड की बात की जाए, और लिक्विड की बात की जाए तो 100 मिलीलीटर्स हैं तो उसमें 1 मिलीलीटर ऑथराइज होगा। तो ये तरीकाकार यही प्रोपोर्शन चलेगा ऑफ द प्रिपरेशन एंड सो इन द प्रोपोर्शन फॉर एनी ग्रेटर और लेस परसेंटेज। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह होगा चैप्टर नंबर 3 प्रोहिबिशन एंड पनिशमेंट, कि क्या क्या चीज़ या बिज़नेस करने में ममनू है नारकोटिक्स के लिहाज से, और अगर उस ममनुआ हद को क्रॉस किया जाएगा तो उस पर कौन सी पनिशमेंट बनती है, तो ये चैप्टर 2 में हम कवर करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।